वैसे तो यूपी पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में माहिर है, लेकिन कई बार पुलिस इससे बढ़कर भी काम करती है, जिस वजह से लोग सराहना करने से पीछे नहीं हटते। अब यूपी के आजमगढ़ जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसकी तालियां प्रदेश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बज रही हैं। हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के ऐसे अधिकारियों की, जिन्होंने न सिर्फ पुलिस का मान बढ़ाया बल्कि 116 सालों से बिछड़े एक परिवार की चौथी पीढ़ी को उनके परिजनों से मिलाने का काम किया है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य और उनके सहयोगी अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने अमेरिकी प्रांत के रहने वाले डेविड और उनकी पत्नी लीना को उनके पूर्वजों से मिलवाया। आपको बता दें कि डेविड बीते कई सालों से अपने पूर्वजों से मिलने की तपस्या कर रहे थे। आखिरकार उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और पुरखों की धरती की तलाश आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र स्थित कर्मनाथ पट्टी गांव पर खत्म हुई। डेविड अपने परिवार के लोगों से मिलकर भावुक हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए हमारे पूर्वजों की धरती किसी तीर्थ से कम नहीं है। परिवार के लोगों ने डेविड और लीना का फूल मालाओं से स्वागत किया। दोनों को देखने के लिए गांव की भीड़ भी जुट गई। हिंदी नहीं बोल पाने वाले डेविड ने सभी का अभिवादन किया। अपने पूर्वजों के घर जाने के लिए बुधवार सुबह करीब 10 बजे डेविड कैनन और लीना अपने सहयोगी आयुष और संजय सिंह हीरा पट्टी के साथ रोनापार थाना पहुंचे। वहां से उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया पुलिस के साथ लेकर उन्हें गांव पहुंचे। डेविड पुत्र डेविड रोस्टेड सुपरसेंट और उनके पिता राम प्रसाद और राम प्रसाद के पिता राम खेलावन को बताया जा रहा है। 1907 में राम खेलावन मौर्य गिरगिटिया मजदूर के रूप में विदेश गए थे। वो कोलकाता से त्रिनिदाद और टैबेगो में रहे, फिर अमेरिका गए। उनकी चौथी पीढ़ी के डेविड उनकी पत्नी लीना के साथ बुधवार को गांव आए। ग्राम प्रधान राम बच्चन यादव सहित ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को बड़ी खुशी हुई है। ग्राम प्रधान ने बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो वहीं डेविड की माता से मुलाकात एनआरआई के रूप में हुई थी। लेखपाल त्रिभुवन यादव ने बताया कि दो दिन से राम खेलावन मौर्य की जमीन और निवास की तलाश की जा रही थी। कुछ पुराने दस्तावेजों से इनका नाम मिला और अगल बगल के नामों से मिलान किया गया तो सही मिला। जयपुर से आए डेविड के दोस्त आयुष ने बताया कि 1907 में इनके पूर्वज राम खेलावन कोलकाता गए थे। इसके बाद वहां से मिले अहम दस्तावेज को भारतीय दूतावास में पेश करके सबूत पेश किए गए, जिसके बाद भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें यूपी के आजमगढ़ ले जाया गया, जहां उनके परिवार से मिलाया गया और पता चला कि ये लोग मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के मूल निवासी हैं।